डियर स्टूडेंट, आप लोग अब मैं आज आप लोगों को देखिए आप लोगों को क्या करवाने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये इंटरनेट जो आप लोग को इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं, बायोलॉजी का 1:30 बजे से जो एग्जाम है, उनका सेंटर एग्जाम 2023 वाला हम लोग करने वाले हैं। एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे बाबू, एक बार वीडियो को शेयर करें, हेलो सर, हेलो हेलो, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन कराया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं जीव विज्ञान का बायोलॉजी, जो कि आप लोग को 1:30 बजे से है। एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, एक बार वीडियो को शेयर करो, तब आप लोग का क्लास में मजा आएगा। हाय सर, हेलो हेलो हेलो, आइए एक एक क्वेश्चन को बताएंगे हम लोग। एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर दें आप लोग। 14 से 15 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं इसमें, आप लोग को देख सकते हैं इंटरमीडिएट सेंटर एग्जाम 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो अभी 1:30 बजे से एग्जाम देने वाले हो वो एग्जाम क्वेश्चन कराएंगे, उसमें जो है ध्यान देना कि 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बनाना है 35, 70 ऑब्जेक्टिव बनाना और 35 लगभग, अभी हम 35 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताने वाला हूं। ध्यान देंगे आंसर की आ चुका है, देखिए हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन प्रारंभक यानी प्रारंभ कूट है। इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी। एक बार वीडियो को आप लोग अच्छा से अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, क्योंकि ये जो वीडियो आप लोगों के लिए इतना भी आई कि जो एग्जाम 1:30 बजे से देने वाले हो उससे एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। अगर अलग आएगा तो आज के बाद पढ़ाना छोड़ देंगे, यानी एक का आंसर होगा बाबू ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन कटा हुआ है, बट आप लोग अपने अपने मोबाइल में या फिर कॉपी में निकाल के सब आंसर लिखते जाओगे। एक बार आप लोग लाइक करेंगे, 13 स्टूडेंट जुड़े हुए, 12 लाइक है, एक बार लाइक करेंगे आप लोग, एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, कम से कम 20 लाइक को पार करेंगे, कम से कम 20 लाइक को पार करेंगे अभी आप लोग को, हाँ कम से कम 20 लाइक को पार करेंगे बाबू। देखिए इसका आंसर बताओ, पक्षियों और तितलियों का डैना क्या होता है, पक्षियों और तितलियों का डैना क्या होता है। बच्चा लोग मारेगा समझाता, लेकिन होता है बाबू और समझाता, तो लगाना बाबू ऑप्शन ए। एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, रूपम कुमारी सब मेरे साथ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं ऑनलाइन मेंबर, तो आइए अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखो, यहाँ भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो ही नंबर क्वेश्चन है कि पक्षियों और तितलियों में डैना क्या होता है, असमजात अंग। एक बार वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर ले ताकि जितना भी स्टूडेंट एग्जाम दे वो सब आंसर मिला ले, सभी के फायदा के लिए सोचिए। हाँ आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इष्ट में जो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है। पहला को यानी आंसर है कि विखंडनीकरण, मुकुलन, उसके बाद है परागण या फिर ऑल बी और सी। बताओगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोग बताएंगे चैट के माध्यम से। 14-15 स्टूडेंट जो भी जुड़े हुए हैं अभी आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है मुकुलन द्वारा, किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा, इसको कहते हैं इंग्लिश में बडिंग। इंग्लिश वाले बच्चा लगा लेना बडिंग, और हिंदी वाले बच्चा लगा लेना बाबू मुकुलन, क्या होगा मुकुलन। एक नंबर ओरिजिनल क्वेश्चन है, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला गया है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर लें। आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, 3 नंबर हो गया, 3 के बाद आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना क्या है क्वेश्चन। RNAi का प्रयोग किस पौधों में कीट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
ऑप्शन में वो पॉपी और तंबाकू और आलू, बताओगे इसका आंसर क्या होने वाला, इसका आंसर क्या होने वाला। आप लोग 1:30 बजे से एग्जाम देने वाले हो और यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। देखिए इसका आंसर होगा बाबू तंबाकू। ये जो तंबाकू होता है इसमें RNAi का प्रयोग करके पौधों में कीट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे ही पौधा में अगर छिद्र होगा उसमें तंबाकू का सेवन अगर किया जाएगा तो उसका उपयोग किया जाएगा। आइए इसका आंसर हो जाएगा बाबू तंबाकू। हाँ, 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक बार ध्यान देना कि जल जो धारण होता है और उसकी क्षमता निम्नांकित में से किसके गुण पर आधारित होती है, पौधा का होता है कि मृदा का या फिर जल का या फिर जंतुओं का। एक बार बताओगे, लगभग 22 स्टूडेंट जुड़ गए हैं, तो इसका आंसर बताओगे। 5 का आंसर क्या होने वाला है कि जल साधारण क्षमता में निम्नांकित किसके गुण होते हैं, किसके गुण होते हैं। आप लोग चैट करेंगे। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दे बाबू। 22 वाचिंग, 23 बच्चे जुड़े हुए हैं और लाइक की संख्या मात्र 13-14 है, तो कैसे काम चलेगा बाबू। एक बार कम से कम 20 लाइक को पार करें, एक बार कम से कम 20 लाइक को पार करेंगे तब आप लोग को 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन और इसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन कराया जाएगा, सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन कराया जाएगा। बस आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टेटस में लगा दें। अच्छा, इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ध्यान देना, जो जल धारण क्षमता होती है उसके निम्नांकित किसके कारण होता है, वो मृदा के कारण, सॉइल के कारण होता है। सॉइल का मतलब होता है वो मृदा, सॉइल का मतलब होता है मृदा। एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे आप लोग। 5 नंबर हो गया, आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, 6 नंबर। देखो 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। निम्नांकित में कौन सा जो प्रतिबंधन होता है और प्रतिबंधन एंजाइम चिपचिपे सिरे में उत्पन्न होता है, इको RI में होता है या हिंद थर्ड में होता है या ऑल ऑफ दीज या SALI, बताओगे इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होगा बाबू इको RI। किस में होगा बाबू, इको RI में किया जाता है। अब आते हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन 6 के बाद 7 नंबर। देखो 7 नंबर क्वेश्चन एक बार नीचे भी दिया होगा, 7 नंबर क्वेश्चन देखो पढ़ते हैं। आंसर क्या होने वाला है बाबू, बताओगे इसका आंसर, बताओगे क्या होने वाला है। आइए इसका आंसर होगा बाबू एंड्रोजन। किसके द्वारा होता है, एंड्रोजन के द्वारा स्रावित किया जाता है, एंड्रोजन के द्वारा स्रावित किया जाता है। अब आते हम लोग 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे। 7 के बाद 8 सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग को सटीक दिया जाएगा, बस आप लोग को एग्जाम में जाके आराम से छाप देना है, आराम से जाके छाप देना है। देखो अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, और जो युग्मित होती है गुणसूत्र किस में पाया जाता है, भ्रूण में पाया जाता है, युग्मनज में पाया जाता है या युग्मक में पाया जाता है या बीज में पाया जाता है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ध्यान देना बाबू, जो युग्मित जो गुणसूत्र होती है ना तो भ्रूण में पाया जाता है, ना ही भ्रूण में पाया जाता है और ना ही बीज में ना ही युग्मज में, लेकिन वो पाया जाता है युग्मक में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ युग्मज और यहाँ युग्मक, तो आंसर हो जाएगा युग्मक, आंसर हो जाएगा बाबू युग्मक। अब आते हम लोग अगले क्वेश्चन 9 नंबर पे। 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखना 9 नंबर क्वेश्चन बताओगे। देखो निम्नलिखित में से कौन सा जो इकाई का क्राई होती है जीन फसल को छेदक कर देता है, कौन होता है जो जो जीन फसल को छेद कर देता है, क्राई फर्स्ट AB या क्राई सेकेंड AB या हिंट थर्ड या क्राई 1 AC, बताओगे इसका आंसर।
कुछ बच्चे अभी जुड़े हुए हैं और कुछ जुड़ने के लिए बाकी हैं, तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, कम से कम 20 लाइक को पार करेंगे आप लोग, कम से कम 20 लाइक को, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप लोगों को 1:30 बजे एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि अभी 12:19 हुआ है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा बाबू। ये जो निम्नांकित में से कौन सा कराई जीन फसल को छेदक करता है, तो इसका आंसर होगा बाबू कराई फर्स्ट ए बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना। देखो 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है, विटामिन सी का है, शर्करा का है, या राइबो फ्लेविन का है, या प्रोटीन का है, बताओगे इसका आंसर क्या होगा। 10 का आंसर क्या होने वाला है, कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, बताओगे कि इसका आंसर क्या होने वाला। देखो इसका आंसर जो ईस्ट में मुख्य स्रोत होता है बाबू, वो राइबो फ्लेविन में होता है, राइबो फ्लेविन, तो इसका आंसर लगा लेना आंसर ए, 10 का ए। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 11 नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ना क्या है, यहाँ है कि द्वि निषेचन की विशेषता है, द्वि निषेचन जो है वो किनकी विशेषता है। पहला ऑप्शन है बाबू शैवाल का, उसके बाद है फफूंद, अनातवीर्जी या अबातवीर्जी, बताओगे इसका आंसर, अबातवीर्जी बताओगे। 11 नंबर का आंसर क्या होने वाला है, 11 नंबर का आंसर क्या होने वाला है, 11 नंबर का आंसर क्या होने वाला है, ध्यान देना। यहाँ है आवृत बीजी, आवृत अनावृत जी, यानी आवृत बीजी अनावृतित बीजी, तो इसका आंसर होगा बाबू आवृत बीजी में पाया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोग एग्जाम में जाना 11 का सी लगा के OMR सीट पे आ जाना, वो हम पे विश्वास रख के, हाँ कि सर सही पढ़ाए। अब आते हैं 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना। ये जो पुष्पासन किस फल को खाया जाने वाला भाग होता है, लीची का, सेब का, या फिर बी और सी दोनों का, या नाशपाती का, बताओगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होने वाला है 12 का आंसर। आप लोग बताएंगे कि 12 का आंसर क्या होने वाला है, जो पुष्पासन किस भाग का खाया जाने वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर होगा बाबू सेब का खाया जाने वाला, किसका है बाबू सेब का, तो आंसर लगा लो बी सेब। अब आते हैं 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शायद सुन लेना एक भी साल क्वेश्चन पूछा नहीं गया था प्रीवियस ईयर में, यह फर्स्ट बार क्वेश्चन पूछा गया कि अदरक में कायिक जो प्रबंधन होती है किनके द्वारा किया जाता है, बल्ब के द्वारा, या प्रकंद के द्वारा, या जड़ों के द्वारा, या ट्यूबर के द्वारा, बताओगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। 13 का आंसर क्या होगा बताओगे आप लोग, 13 का आंसर क्या होगा, प्रकंद के द्वारा पाया जाता है, किसके द्वारा बाबू, प्रकंद के द्वारा, लगा लोगे टिक आप लोग जाकर एग्जाम में 13 का क्या होगा बाबू बी, 13 का बी। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, 13 के बाद हम लोग कहां तक किए थे, 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, अनुवादन की क्रिया वास्तव में होती है, यहां पर है डीएनए संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, या राइबोसोम संश्लेषण, या आरएनए संश्लेषण, इसका आंसर क्या होगा बताओगे, 14 नंबर का आंसर, आप लोग 14 नंबर का आंसर बताओगे क्या होने वाला है, 14 नंबर का आंसर क्या होगा, 14 नंबर का आंसर होगा वो प्रोटीन संश्लेषण में, किसके द्वारा किया जाता है, किस क्रिया में वास्तव में होता है बताओगे, प्रोटीन संश्लेषण में, किसमें, प्रोटीन। अब है अगली क्वेश्चन पे आते हैं 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, 14 के बाद 15, देखो कितना मेहनत लगा आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाने में, बस एक बार आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, 20 लाइक पूरा हो गया है, अब आप लोग का टारगेट है मात्र 30 लाइक को आप लोग कंप्लीट करेंगे, 30 लाइक को कंप्लीट करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये जो डीएनए प्रतिकरण
के दौरान पश्चगामी सूत्र का निर्माण कैसे होता है, असंतत या संतत या छोटे खंडों के द्वारा या ए या बी, बताओगे 15 का आंसर क्या होने वाला है। 15 का आंसर होगा बाबू असंतत के द्वारा। किसके द्वारा पाया जाता है, असंतत के द्वारा। लगा लेना ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 के बाद हम लोग 16 नंबर, मात्र 70 में 35 बनाना है, 70 में मात्र 35 क्वेश्चन बनाना है, 35 क्वेश्चन। आइए अब हम लोग आगे आते हैं। ये जो आप लोगों को जो सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि सेट नंबर ए, सेट ए का क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। बहुत ही भी आई और यही सब क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा 1:30 बजे के एग्जाम में, 1:30 बजे के एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाय सर, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर करें। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। तांबा उत्सर्जन करने वाला एक UIUD निम्नांकित में से कौन सा है, यहाँ पर है ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बताओगे 16 का आंसर क्या होने वाला है, 16 का आंसर क्या होगा। तांबा उत्सर्जन करने वाला IUD निम्नांकित में से कौन है, तो लगा लेना बाबू ऑप्शन ए, ऑप्शन ए LNG20। अब आते हैं हम लोग 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, 17, हाँ आगे देखो यहाँ है कि एजे निक संवर्धन क्या होता है, जीव संवर्धन होता है या उत्तक होता है या बिना पोषक पदार्थ के प्रबंधन होता है या बिना संदूषण के प्रबंधन होता है, बताओगे 16 बच्चे जुड़े हुए, 15 से 16 स्टूडेंट आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला। एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर ये चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 400 प्लस नंबर देखने को मिलेगा, 400 प्लस नंबर देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग को 400 प्लस नंबर आएगा तो आप खुश हो जाएंगे और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अनेक सारी आप लोग को कक्षाएं अब दिया जाएगा। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और आपस में बातचीत नहीं करेंगे बाबू, ध्यान देना। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, एजेनिक संवर्धन किसके क्या होता है, बिना पोषक पदार्थ के प्रबंधन होता है, याद कर लेना ऑप्शन ऑप्शन सी। अब आते हम लोग 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि मुझे बोलना ना पड़े और यही सब क्वेश्चन आप लोग को कराया जाएगा। देख सकते हैं कितना मेहनत लगा बनाने के लिए और एक से लेकर 100 और उसके बाद 100 तक कराया जाएगा, उसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी कराया जाएगा तुरंत, आधा घंटा में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, आधा से पौने घंटा में कंप्लीट कर दिया जाएगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहे। ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन बताते ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक जड़ परजीवी होता है, चंदन में होता है या एलोवेरा में या लेंटेना में या अमरबेल में, बताओगे 18 का आंसर क्या होने वाला है, 18 का आंसर क्या होगा बताओगे। 18 का आंसर होगा वो आंशिक जो जड़ परजीवी होता है वो चंदन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बाबू, चंदन में। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना आपको लाभ होगा, उतना आपको लाभ होगा। हाँ आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे, आपस में आप लोग बातचीत ना करें, यहाँ ध्यान दे पढ़ने पर, क्योंकि 1:30 बजे से आप लोग का एग्जाम है, 1:30 बजे से एग्जाम है। देखिए क्वेश्चन है, शुक्राणु के एक्रोसोम भाग में क्या रहता है, DNA, फुटरोज या हाइड्रोलिटिक एंजाइम या माइटोकॉन्ड्रिया, बताओगे इसका आंसर। जो बच्चा इसका आंसर बताओगे उसको अभी तुरंत इसका PDF आपको व्हाट्सएप किया जाएगा, आपको तुरंत नंबर लेकर आपको तुरंत इसका PDF डाला जाएगा। डी, बिल्कुल, जो बच्चा डी बोला उसका सही है। आप अपना नंबर अमोक सरकार के द्वारा के पर नंबर पर हाई लिख के भेज दोगे, हाई लिख के भेज दोगे,
ग्रुप एडमिन में आप हाय लिख के भेज दोगे, एक बार ग्रुप एडमिन में हाय लिख के भेज दोगे और आपका ये क्वेश्चन आपको तुरंत 2 से 3 मिनट में डाला जाएगा। 2 से 3 मिनट में डालेंगे सर, अभी तुरंत, बस अभी आप लोग हाय लिख के भेजो। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बाबू डी, सभी बच्चा लगा लेना डी। अब आते हैं 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन पे, 21 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर। आइए, यहां पर है मेडुला, ये जो होता है वो जनन परत किसकी विकसित करता है, बताओगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जो बच्चा इसका आंसर मारेगा उसको अभी तुरंत पीडीएफ दिया जाएगा, अभी तुरंत डाला जाएगा अमोक सरकार के द्वारा, बस आपको उस पर हाई लिख के भेजना और सही आंसर बताना, हाई लिख के भेजना और सही आंसर बताना है। 21 नंबर का आंसर क्या होगा बताओगे, बताओगे इसका आंसर क्या होगा 21 नंबर का। हाँ, वीडियो को शेयर करेंगे, डी होगा, डी डी डी। और बच्चे बताएंगे, हाँ ये जो मेडुला जो होता है वो जनन परत में किसके विकसित करता है, बताओ वो एंडोडर्म का, किस चीज का एंडोडर्म। बस आप लोग वो जो नंबर दिया गया उस पर आप लोग हाई लिख के भेजेंगे, अभी तुरंत आपको सर इसका पीडीएफ 1 से लेकर 100 तक आपको डाल दिया जाएगा, 1 से लेकर 100 तक डाल दिया जाएगा, अभी तुरंत जितना जल्दी करोगे। अब बताओगे इसका आंसर क्या होगा, देखो क्या क्वेश्चन आ गया, पनीर एवं दही यानी पनीर और दही किस प्रक्रिया के उत्तरदायी होते हैं, निर्जलीकरण या पास्तुरीकरण, आसवन विधि या फिर किण्वन विधि, बताओगे इसका आंसर क्या होगा। आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा तुरंत, बस वीडियो को आप लोग शेयर करते रहे, वीडियो को शेयर करते रहे। 25 बच्चे जुड़े हुए अभी मेरे साथ, बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, किण्वन विधि, कौन सी विधि बाबू, किण्वन विधि के द्वारा पनीर और दही की प्रक्रिया का उत्पाद किया जाता है, पनीर और दही की प्रक्रिया का उत्पाद किया जाता है। अब आते हैं 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे, हम देखते हैं क्या होगा, मारना है 23 का क्या होगा, 23 डॉट 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 ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी, आप लोग बताओगे, आप लोग बताएंगे कि 23 लिख के डॉट डॉट ए दीजिए, बी दीजिए, सी दीजिए, डी दीजिए, जल्दी हम देखते हैं आपका कमेंट अभी तुरंत। 23 नंबर का, आंसर बताओगे आप लोग, हम देख रहे हैं अभी, ए होगा, ए होगा, ए होगा, क्या होगा बाबू, ए, जावा कपी मानव, जावा कपी मानव। अब आते हम लोग 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन पे, 23 के बाद 24, देखिए 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन पे, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, सुंदरवन जो प्रसिद्ध कहाँ है, प्रसिद्ध है यानी सागवन के वन में या मैंग्रोव के वन में या घास के लिए या नेफ्थलीन के लिए, बताओ नेफ्थसिल के लिए, आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 24 का आंसर क्या होगा, 24 का आंसर क्या होगा, 24 का, ये जो सुंदरवन जो है प्रसिद्ध है बाबू मैंग्रोव पौधों के लिए, कौन से पौधों के लिए, मैंग्रोव पौधे के लिए, ऑप्शन सी सी सी, ऑप्शन सी। आइए अब आते हैं हम लोग 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन पे, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवृत बीजी पौधों के लिए भ्रूण पोष में गुणसूत्र का सूत्र गुणता स्तर कितना होता है, एन होगा, 2n होगा या फिर 2n-1 या 3n, आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। पवन कुमार सी, पवन कुमार होगा बाबू सी, 25 का आंसर सी। देखिए हम लोग 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आप लोग को 1:30 बजे एग्जाम में भी जाना है और क्वेश्चन को फोड़ के आना है। शायद आप लोग अभी बताएंगे, अभी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग किस किस जिला से जुड़े हुए हैं, किस किस जिला से हमें अभी देख रहे हैं आप, एक बार कमेंट करेंगे हम पढ़ते हैं कौन कौन सा जिला, एक बार अटेंडेंस बना देते हैं आपके जिला का,
आपके जिला का, आपके जिला का नवादा जिला। और कुछ बच्चे बताएंगे कि अपने कौन कौन से जिला से मुझे देख पा रहे हैं, कौन कौन से जिला से हमें देख पा रहे हैं, कौन कौन से जिला से हमें देख पा रहे हैं। हाँ, उन्नाव, बांका, ये जो वीडियो आप लोग को, जैसे देखिए अभी हम लोग बिहार की राजधानी पटना से, और पटना से पाकिस्तान तक कम से कम ये वीडियो पहुंचना चाहिए, पटना से पाकिस्तान तक, तब मजा आएगा बाबू, पटना से पाकिस्तान तक। आप लोग बताएंगे कि किस किस जिला से जुड़े हुए हैं, मुंगेर से हैं सर, अरवल से हैं सर, गुजरात से हैं सर। देखिए गुजरात से भी कुछ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं। आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। तब आप लोगों को एक शायरी सुनाऊंगा, गजल सुनाऊंगा बाबू, जब एग्जाम भागलपुर से, अपना नंबर दीजिए सर, मेरा नंबर, आप कांटेक्ट करेंगे अमोक सरकार से, अमोक सरकार से। चलिए आप लोग बताएंगे कि निम्नांकित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, कोनिडिया में या जेमुयुल में या फिर इसका, या फिर इसका, बताओगे इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चा इसका आंसर बताएगा उसका भी नंबर दिया जाएगा, उसका नंबर बताओगे 26 नंबर का क्या होगा, 26 नंबर का आंसर क्या होने वाला। अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है, मियोसाइट में, किसमें पाया जाता है बाबू, मियोसाइट। हम आंसर देख रहे हैं, आंसर देख रहे हैं, ऑप्शन सी होगा बाबू, मियोसाइट। आप लोग को घबराना नहीं, मियोसाइट लगा लेना। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, 27, 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कटा हुआ है, बट इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। किस मादा जंतु में मंद चक्र पाया जाता है, ऑप्शन ए में होगा बाबू गाय, ऑप्शन ए में होगा गाय, और लगा लेना आप लोग ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा बाबू ए, ए ए ए हो जाएगा। अब आते हैं 28 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन को आप लोग चैट के माध्यम से बताओगे, चैट के माध्यम से बताओगे, चैट के माध्यम से बताओगे इसका आंसर, चैट के माध्यम से बताओगे। हाँ कुछ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं अभी भी, कुछ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे बाबू, एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे, ताकि इसके बाद जैसे ही आप लोग को हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, तो आपको अभी तुरंत जैसे ही ये क्लास खत्म होगा 3:05 में कराया जाएगा, शेड्यूल लगा दिया गया है, शेड्यूल लगा दिया गया है। हाँ हिंदी और इंग्लिश का आप लोग को आंसर की आज ही मिलने वाला है, चाहे आप लोग आर्ट से हैं, साइंस से हैं या फिर कॉमर्स से हैं। इसका आंसर क्या होगा ध्यान देना, मानव शुक्राणु के लिए जो एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, इसका आंसर होगा बाबू गोल्जी कैक के द्वारा, किसके द्वारा, गोल्जी बॉडी के द्वारा, गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन पे, हिंदी का भी मिलेगा अभी तुरंत शाम को 3:05 पे, 3:05 पे, तो आप लोग तैयार हो जाए, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। अब आते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे, 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्यों में दाद की बीमारी का रोग जनक, का रोग जनक क्या होता है, कवक होगा, जीवाणु होगा, विषाणु होगा या फिर कृमि होगा, बताओगे 29 का आंसर क्या होने वाला है, 29 का आंसर। देखो मनुष्य में जो दाग खुजली होता है, जैसे हम लोग नोचते हैं, नोचते हैं ना शरीर को, जब नोचते हैं तो किसके रोग जनक होता है बाबू, कवक का। अगर हमारे बॉडी में कहीं भी कवक आ जाए तो समझ जाना कि वहां पे नोचनी त्वचनी हो जाएगा, नोचने लगेगा, दाग खुजली हो जाएगा, दिनाई हो जाएगा कवक के कारण। 29 के बाद आते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन पे, हाँ 35 ही बनाना है बाबू, 35,
लगभग इसमें आप लोग को 50 प्लस क्वेश्चन अभी कराएंगे, 50 प्लस क्वेश्चन, 70 में 70 कराएंगे। हाँ एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। ए होगा सर, ए होगा सर, देखते हैं। देखो इसका आंसर, जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, बताओगे आप लोग चैट के माध्यम से, आप लोग चैट के माध्यम से बताओगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा बाबू ऑप्शन से, योगम विकल्पी। क्या होगा? योगम विकल्पी। एक बार आप लोग शेयर कर देंगे, कम से कम 50 बच्चा जुड़ना चाहिए अभी, कम से कम 50 स्टूडेंट, एक बार आप लोग लाइक कर देंगे, उसके बाद ही आप लोग को हिंदी और इंग्लिश कल क्लास दिया जाएगा, अन्यथा क्लास नहीं लिया जाएगा। बी होगा सर, बी होगा सर, चेक करते हैं। देखो ये जो करेपी एसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया या कहां संपन्न होगा, ए में होता है, बी में होगा, सी में होगा या डी में होगा, बताओगे 32 का आंसर क्या होने वाला है? 32 का आंसर क्या होने वाला है? 32 का आंसर होगा वो मादा जनन मार्ग में, कहां पे होगा? मादा के जनन के भाग में, ध्यान देना। अब आते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन 32 के बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, सब क्वेश्चन कराया जाएगा, सब क्वेश्चन, ध्यान देना। देखो यह क्वेश्चन क्या है, पॉलिम रेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या होता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, बताओगे आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा? एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे। ऑप्शन होगा बाबू, एक बोल रहे हैं कि निशा भारती, डी निशा भारती, ऑप्शन डी 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 आपका आंसर सही है, और ऐसा ही आप लोग बिहार बोर्ड के कल के एग्जाम में बनाओगे, सॉरी आज 1:30 बजे बनाओगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा, इसमें ऑप्शन कुछ कट रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये क्वेश्चन नीचे दिया गया है या नहीं, दिया, हाँ दिया गया। देखो रिट्रो विष, यानी जो रिट्रो विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या होगा, आर एन ए, डी एन ए, बी या सी या प्रोटीन, बताओगे, बताओगे आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा बाबू आरएनए। कहां है आरएनए? आरएनए, आरएनए, आरएनए को कहते हैं हम लोग राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एक बार आप लोग शेयर कर देंगे, रवीश कुमार, रवीश कुमार, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नहीं होगा बाबू, ऑप्शन ए होगा। 34 सब क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या है, BT20 है, प्रोटीन है, लिपिड है, एंजाइम है या फिर शर्करा है, आप लोग बताएंगे कि 35 नंबर का आंसर क्या होने वाला है, 35 नंबर का आंसर क्या होगा, बताओगे? BT20 क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है बाबू, प्रोटीन, क्या है? प्रोटीन। अब आते हैं 35 के बाद हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे, 35 के बाद 36। देखो ये क्वेश्चन, ये जो डाउन सिंड्रोम का गुणसूत्र क्या होता है, बताओगे 2n-1, 2n+1, 2n-1-1, 2n+1+1, बताओगे इसका आंसर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है 36 का, 36 का सबसे इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताओगे, एक बार लाइक कर लेना बाबू, आप लोग बी होगा, बी होगा, बी होगा, बी होगा बाबू, 2n+1, सभी बच्चे का आंसर आ गया बी। आप लोग बताएंगे कि किस किस जिला से एक बार जुड़े हुए, जिला का नाम टाइप कर देंगे, अपने जिला का नाम रोशन करना है, बिहार बोर्ड के आज के एग्जाम में बायोलॉजी में 70/70 रहना चाहिए, 70/70 तब मजा आएगा बाबू, 70/70, 70/70 अगर देखना चाहते हो, 70/70 एक बार अपना अपना जिला का नाम टाइप कर देंगे, एक बार अपना अपना जिला का नाम टाइप कर दोगे, ताकि मुझे भी लगे कि हम क्या आप लोग को नॉलेज दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं। जिला अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेंड कर देंगे।
देखिए ये क्वेश्चन बताओगे, एडीज मच्छर कौन सी बीमारी फैलाता है, डेंगू, मलेरिया या कालाजार या फिर नहीं, बताओगे क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर बताओगे आप लोग, इसका आंसर क्या होने वाला है बताओ, इसका आंसर होगा बाबू डेंगू, क्या होगा डेंगू, ये जो डेंगू है वो एडीज मच्छर कौन सी बीमारी फैलेगा, जो एडीज मच्छर होता है, एडीज का मतलब होता है बीमारी, और बीमारी को सबसे ज्यादा फैलाने वाला मच्छर डेंगू होता है, और पटना उटना में सबसे ज्यादा डेंगू पाया जाता है, ध्यान रखना। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, मवेशियों की संकर नस्ल है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे, सिवान जिला से हैं सर, सिवान जिला से, सिवान तक वीडियो चल गया बट अभी पाकिस्तान तक नहीं गया, पाकिस्तान तक जाना है, पटना से पाकिस्तान तक। हाँ आइए, हेलो हेलो हेलो, 38 का आंसर क्या होगा बाबू, ये जो सुंदर दिनी होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन लगा लेना बी, ऑप्शन बी। आइए हम लोग अगली क्वेश्चन पे आते, 38 के बाद हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे, 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन पे आओगे आप लोग, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। हाँ टाइम हो गया बाबू, बस 15 मिनट बचा हुआ है, तो 15 मिनट में हम लोग इसको 70 को कंप्लीट कर देंगे, बस आप लोग वीडियो को शेयर करते रहे ताकि मेरा मनोबल टाइट रहे और मुझे पढ़ाने में आनंद महसूस हो। हाँ देखिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, बताओगे 39 नंबर, 39 का आंसर क्या होने वाला है, 39 का आंसर क्या होने वाला है, 39 का आंसर, 39 का आंसर क्या होगा बताओगे, 34 से 35 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अभी, बताओगे इसका आंसर होगा बाबू नियोपिलिना, याद कर लेना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बहुत बच्चे का आंसर आ गया है, ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए। अब आते हम लोग, हाँ 39 के बाद 40 नंबर, बताओगे 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया, विश्व जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई, और मोदी साहब क्या कहते हैं, हम दो हमारे दो, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं बताओ, क्वेश्चन पूछ दिया है 11 जुलाई, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे बाबू, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। अब सब्जेक्टिव पे आएंगे हम लोग, क्योंकि देखिए 35 से 36 ऑब्जेक्टिव कर दिए ताकि आप लोग जाके सीधा एग्जाम में बना दोगे, उसके बाद सब्जेक्टिव बताएंगे आप लोग को, बस आप लोग को कम से कम एक बार आप लोग 50 लाइक को पार करेंगे और कम से कम 50 वाचिंग रहना चाहिए, 50 बच्चा जुड़ना चाहिए कम से कम, तब आप लोग का सब्जेक्टिव कराया जाएगा। यहाँ देख सकते हो 40 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, 40 नंबर क्वेश्चन पे, 35 ही बनाना है, सब रगड़ दोगे एग्जाम में। अब आते हैं इसका 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग, बनाना है बाबू 70 में 35। हम लोग आगे हैं 42 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर देखो, जैविक ऊर्जा प्राप्त होती है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, बताओगे इसका आंसर क्या होने वाला, एक बार हम पानी पी लेते हैं।
इसका आंसर बताओगे बाबू? अब हम आ गए हैं। देखो, जैविक ऊर्जा प्राप्त हम लोग करते हैं बायोसाइट से। किसके द्वारा? बायोसाइट से। अब फटाफट खींचते हैं 42 नंबर क्वेश्चन आगे। अब है 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन। हाँ, आइए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। निम्नांकित में से कौन सा मौखिक गोलियों का घटक होता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे क्या होगा। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? ऑप्शन सी, सी, सी। देखिए बहुत बच्चे का आंसर आ रहा है। आकांक्षा कुमारी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखो इसका आंसर बताओ। वैद्युत जो कण संचलन होता है और साधारण बलेटी तकनीक प्रयुक्त होता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताओगे 44 का आंसर? 44 का क्या होने वाला आंसर? और ये क्वेश्चन जो है ना तो आप लोग को क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, ना ही सेंटअप एग्जाम में मिलेगा और ना ही मॉडल पेपर में मिलेगा 2009 से 2023 तक में। और बट आज के एग्जाम में पूछ दिया है, बताओ इतना टफ है। सी होगा सर, सी। देखो इसका आंसर होगा विद्युत कण संचलन और इसका जो तकनीकी प्रयुक्त होता है वो होता है बाबू ऑप्शन नंबर डी, 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 ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन ना तो मॉडल पेपर में मिलेगा, ना ही PYQ यानी क्वेश्चन बैंक में, और ना ही और कहीं आप लोग को मिलेगा, ना ही आप लोग पढ़े होंगे, बट अभी हम लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 44 के बाद 45 नंबर पे। 44 के बाद 45, बताओगे इसका आंसर क्या होने वाला है? देखो अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ, अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ। 44 का डी, 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 बिल्कुल 44 का डी होगा। इसका कितना होगा बताओगे? 45 का क्या होगा? कुछ बच्चे जुड़े हुए कम से कम 50 लाइक को पार करेंगे, 50 लाइक मुझे बोलना ना पड़े, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मात्र आप लोग की 21,000 फैमिली होने के लिए कुछ ही सब्सक्राइबर, कुछ ही स्टूडेंट की आवश्यकता है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहे और हम आप लोग को पढ़ाते रहेंगे। हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, कुछ ही 51,000 में पुरने वाला है। हाँ बताओगे इसका आंसर? ये जो चराई पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताओगे इसका आंसर? सबसे इजी क्वेश्चन है, 45 नंबर, 45 नंबर। इसका आंसर क्या होगा बताओगे? इसका आंसर होगा बाबू ऑप्शन सी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया गया है। तो जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग लिंक में ज्वाइन होंगे तो आपको ये PDF दिख जाएगा, आपको PDF दिख जाएगा। अब आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 70 में बनाना है बाबू 35 और हम लोग आ गए हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए हैं, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए हैं। हाँ 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए। एक बार आप लोग शेयर कर देंगे, 39 लाइक हुआ है, कम से कम 50 लाइक को पूरा करेंगे तब मजा आएगा केमिस्ट्री पर, यानी कि ये बायोलॉजी पढ़ाने में। और बायोलॉजी का हर हर क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, आज ही मिलेगा, आज ही मिलेगा, आज ही मिलेगा। 45 का होगा बाबू सीधा। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, 45 के बाद 46। बताओगे इसका आंसर? सबसे इजी क्वेश्चन यही पूछा है। कुछ पैतृक गुणों के पुनः प्रकट होने के लिए क्या कहा जाता है? ये परिभाषा ही है, पूर्व जाता होगा या उपयज, उपचय होगा या उप, यो होगा। बताओगे आप लोग एक बार बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा? एक बार बताओगे कि आप लोग का इसका आंसर क्या होगा? 46 का।
इसका आंसर होगा बाबू ऑप्शन ए पूर्व जाता। क्या होगा बाबू? पूर्व जाता। लगा लोगे ये क्वेश्चन आप लोग को आज के एग्जाम में 1:30 पे दिखने को मिलेगा। अगर नहीं रहा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना आप लोग, लेकिन रहेगा तो आप लोग सब्सक्राइब को बढ़ाना है। चलिए आगे आइए, 47 नंबर क्वेश्चन कट हो गया। उसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। देखो क्या क्वेश्चन है, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? बताओ ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? सबसे इजी क्वेश्चन, बिहार बोर्ड आज के एग्जाम में यही पूछा है, यही पूछा है बाबू। लगा लोगे इसका आंसर क्या होगा? 48 का, 48 का लिथोफाइट्स। क्या कहते हैं? चट्टानों पर जो वृक्ष होता है, पौधा होता है, उसे हम लोग कहते हैं लिथोफाइट्स। क्या कहेंगे बाबू? लिथोफाइट्स। ए ए ए सर अब ऑब्जेक्टिव भी कराइए, सॉरी सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा आप लोग को, सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहें। चैनल को यानी वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। अब हम लोग सब्जेक्टिव पे आएंगे, जैसा ही 50 जो क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट होगा तो हम लोग अब सब्जेक्टिव पे आएंगे। बायोलॉजी सब्जेक्टिव क्लास 12 सेंटअप एग्जाम 2023 शेयर कर देंगे। 50 से ज्यादा स्टूडेंट रहेगा तो हम लोग अब शुरू करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आइए, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर नहीं बताए। यहाँ पे कुटुक में कवक रोग निम्न में से कौन सा है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताओगे 49 का आंसर क्या होने वाला है? 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर बताओगे? कम से कम 50 प्लस स्टूडेंट रहना चाहिए, तब मजा आएगा सब्जेक्टिव करने में, अन्यथा करा के क्या फायदा होगा। तब आएंगे बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी क्लास 12 सेंटअप एग्जाम, हाँ 31 अक्टूबर 2023। इसका आंसर होगा बाबू एस्परजिलोसियस, ऑप्शन सी सी सी, ऑप्शन सी सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। 51 नंबर देख लेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। कम से कम 50 वाचिंग रखिए बाबू, तब आप लोग को सब्जेक्टिव कराएंगे, अन्यथा नहीं कराएंगे, तब मजा ही नहीं आएगा। और लाइक भी रहना चाहिए, लाइक भी करते रहो। देखो क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र की क्रियात्मक इकाई नहीं है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताओगे आपका इसका आंसर 51 का? बताओगे ए होगा, बी होगा, सी होगा? यानी उत्पादकता होगा, स्तर विन्यास होगा या अपघटन होगा या ऊर्जा का प्रभाव होगा? बताओगे इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा बाबू स्तर विन्यास, स्तर विन्यास। क्या होगा? अस्तर विन्यास, अस्तर विन्यास, अस्तर विन्यास, अस्तर विन्यास। अब हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ आएंगे। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कर लिए, अब आएंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाए, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाए, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाए। हाँ एक बार जोर से आप लोग शेयर कर देंगे, एक बार जोर से आप लोग शेयर कर देंगे। तब तक मैं वेट करता हूं जब तक इस पे 50+ लाइक और 50+ वाचिंग ना हो, तब तक मैं वेट करता हूं।
तब तक मैं वेट करता हूं। एक बार शेयर कर देंगे बाबू। आगे हम लोग अब सब्जेक्टिव पे आइए। अब हम लोग सब्जेक्टिव पे आएंगे। अब हम लोग सब्जेक्टिव पे आने वाले हैं। एक बार कम से कम 50 लाइक को कंप्लीट करेंगे। 50 लाइक 50 लाइक। 26 बच्चे मात्र जुड़े हुए हैं। हाँ आइए, पहला क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन है बाबू, क्रमिक विकास से आप क्या समझते हैं? क्रमिक विकास से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है बाबू। 2 मार्क्स लिखना है, 2 मार्क्स। 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्रमिक विकास से आप क्या समझते हैं? क्रमिक विकास से आप क्या समझते हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन सुनना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू, किन्हीं दो जैव उर्वरकों के नाम बताएं। यह बहुत इजी क्वेश्चन, नाम बताएं। आप लोग को ये सब क्वेश्चन अभी 1:30 बजे जाके देख लेना है। 2 मार्क्स, 2-2, 4 मार्क्स कंप्लीट कर दिए उधर 35 में 35, 4, 39 मार्क्स। अब आते हम लोग 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन पे। आ जाइए। धुआं और हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। अंतर लिखें। 2-2, 4-4, 2-6, 6 मार्क्स हो गया। और ये सब क्वेश्चन आप लोग को अभी देख के जाना है। अगला क्वेश्चन देखना, 4 नंबर। मानव अंड, ये सब मेरा गैसिंग क्वेश्चन है, देख लेना। अंड कोशिका का अस्पष्ट नामांकित संरचना बताएं। नामांकित संरचना बताएं। 1-2-3-1-4 4। एक और बता देते हैं, 5 नंबर। कार्बनिक खेती पर टिप्पणी लिखें।
लिखें, लिख देना आप लोग। तो आज की कक्षा के लिए बाबू इतना ही। अब आप लोग को 3:05 एक नोटिस सुन लेंगे आप लोग, एक नोटिस सुन लेंगे आप लोग। हाँ, 2-3 मिनट में नोटिस सुन लेंगे, सुन लेंगे बाबू। 17 से 18 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ध्यान देना, ध्यान दो। 3:15 पे आप लोग को हिंदी एंड इंग्लिश का क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम का कराया जाएगा। किसका? आज है बाबू 31/10/2023 3:05 PM। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, लव यू ऑल।